नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। हमारे देश में इस तरीके का माहौल हो गया है कि अब हम डर डर कर जीने लगे हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने इस देश के अंदर इस तरीके का माहौल बना दिया है जो कहीं ना कहीं अब हमें ही डराने लगा है। मैं बात कर रहा हूं इस देश की उन ऐसे लोगों की जो कहीं ना कहीं सिर्फ शांति और सद्भावना को बिगाड़ने का काम करते हैं। आए दिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से गुंडागर्दी, चाहे कांवड़िया हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किस तरीके की गुंडागर्दी खुलेआम सड़कों पर चल रही है और खुलेआम इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन हम सब खुली आंखों से सिर्फ देख रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं देश को सिर्फ पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारा देश विश्व में उन देशों में सबसे अव्वल दर्जे का देश माना जाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन कैसे? हम लगातार शांति और सद्भावना की बात करते हैं, हम लगातार भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उस तरीके की चीजों को अपना माहौल पैदा कर पा रहे हैं? आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर कि जात धर्म संप्रदाय को लेकर के सारी चीजें हुआ करती हैं। लोगों को डराया जा रहा है, लोग सड़कों पर जा रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है कि आप अगर ज्यादा अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती होती है तो आप पर कुछ कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं सिर्फ हावी हो जाते हैं आप पर, और आप उनके सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग सिर्फ अगर कोई पीटा जा रहा है, अगर कोई मारा जा रहा है, तो उसके सामने खड़े होकर सिर्फ वीडियो बनाते हैं, उसका विरोध करने के अलावा, और वीडियो बनाने में सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता दिखाया दिखानी दिखाने का काम करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग क्या सोचते हैं? आज किसी और के ऊपर हो रहा है तो कल आपके पास आप पर भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से मोती नगर के दिल्ली के मोती नगर में किस तरीके से कांवड़ियों ने एक कार को पूरी तरीके से उसको अपने लाठी डंडों से कांवड़ियों ने मार मार कर उसको चकनाचूर कर दिया। अगर उसमें बैठे या कुछ लोग अगर बाहर निकल कर नहीं जाते तो हो सकता था कि इसमें कोई बड़ी वारदात हो जाती। धर्म के नाम पर चंद गुंडे लोगों को पीट कर चले जाते हैं और हम उन पर फूल बरसाने का काम करते हैं, हम उन पर आस्था दिखाते हैं। और ये मैं सिर्फ उन सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, भगवा पहनकर गुंडागर्दी करते हैं। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि दूसरों को सिर्फ मार पीट कर डरा करके आप हिंदू समाज को एक अव्वल दर्जे का दर्जा दे करके समाज में सबसे अव्वल नंबर पर रख सकते हैं? और यही चीज हो रही है, कोई मुस्लिम हिंदू को डराने का काम करता है तो हिंदू मुस्लिम को डराने का काम करता है, और यही देश के अंदर चल रहा है। अब मैं आपको बात बता रहा हूं कि बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में आंवला कस्बे के पास खैले गांव है, खैला जो खौला है गांव है, ज्यादातर मुसलमान परिवार 2 हफ्ते से अजीब दहशत में भरे हुए हैं। कोई अपने घरों को छोड़ करके जा रहा है और उस पर ताले लटका के जा रहा है। कुछ चंद महिलाएं हैं जो घरों में बैठी हुई हैं। आखिर ये लोग बरेली के ये मुसलमान क्यों दहशत में हैं? किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है वहां? तो जरा आइए हम समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बरेली शहर के करीब 30 किलोमीटर दूर आंवला कस्बे के पास खैलम गांव के ज्यादातर मुस्लिम परिवार पिछले 2 हफ्ते से अजीब सी दहशत में है। इनके गांव से निकले वाली कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए पुलिस ने उन्हें चेतावनी दे रखी थी और सैकड़ों लोगों को रेड कार्ड जारी कर दिया है। हालांकि ये रेड कार्ड ऐसे सभी संदिग्धों को जारी किए गए थे जिनसे पुलिस और प्रशासन को माहौल बिगाड़ने की आशंका थी, लेकिन इसके डर से पलायन करने वाले परिवारों में मुसलमान ज्यादा हैं। गांव में ज्यादातर मुस्लिम परिवारों के घरों पर पिछले कई दिनों से ताले लटक रहे हैं और उनके घरों पर ताले नहीं भी हैं। वहां केवल कुछ एक महिलाएं ही हैं, बाकी लोग कहीं दूर अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान शिवरात्रि के दिन इस गाँव में दोनों समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। उसी को देखते हुए साल
प्रशासन पहले से ही सचेत हो गया और लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई। बरेली के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर सतीश कुमार बताते हैं कि पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में हिंसक झड़पें हुई थी। दोनों समुदाय के कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। इस बार भी वैसी कोई घटना ना घटने पाए, इसलिए हालांकि हमारे संज्ञान में ये बात नहीं आई कि लोग इस वजह से घर छोड़ कर गए हैं। सतीश कुमार का कहना है कि बाकायदा ये संदेश गाँव वालों को दे दिया गया था कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि लोगों को डर था कि कहीं कोई विवाद होने पर उनका नाम ना आ जाए, इसलिए वो खुद ही चले गए। खैलम गांव की ही रहने वाले समीना के चार बेटे और एक बेटी है। वो बताती हैं कि हमारा एक बेटा फौज में है, वो बाहर रहता है, ड्यूटी पर है। बाकी सभी बेटे और बहुएं अपने बच्चों को लेकर गाँव से बाहर रिश्तेदारी में चले गए। पुलिस वालों ने ऐसा डरा दिया कि पता नहीं उसके खिलाफ केस बना दें। ऐसे में भलाई इसी में समझी गई कि जब तक कांवड़िए न चले जाएं, गांव से बाहर ही रहो। समीना की बताती हैं कि घर में एक भैंस पली है, उसे चारा पानी देने की वजह से वो कहीं नहीं गई। वहीं गांव की अन्य महिलाओं का भी कहना था कि ज़्यादातर घरों में सिर्फ घर की रखवाली या फिर पशुओं की देखरेख के लिए बुजुर्ग महिला ही थी, बाकी लड़के लड़कियाँ और पुरुष गाँव से बाहर चले गए थे। समीना जैसी कहानी खैलम गांव के तमाम मुस्लिम परिवारों की है। करीब 4000 की आबादी वाले इस गांव का 60% आबादी मुसलमानों की है। बताया गया है कि कुछ हिंदू परिवारों के तालाड़ लगाकर यहां से चले गए हैं, लेकिन हिंदू आबादी में ऐसा कोई नहीं मिला। गांव के ही आजम हमें उन घरों को दिखाते हुए जहाँ शुक्रवार को भी ताले लटके रहते हैं। हालांकि मुख्य कांवड़ यात्रा गुरुवार को ही थी और लोग पास के एक मशहूर शिव मंदिर में शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने आ जाते हैं। गुरुवार को भारी मात्रा में पुलिस और PSC के जवान यात्रा मार्ग पर तैनात किए गए थे। SP ग्रामीण सतीश कुमार कहते हैं कि इतनी सतर्कता की वजह से ही यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण रही और लोगों ने भी साथ दिया। मुख्य सड़क से गांव के भीतर दाखिल होने पर गांव का मुख्य बाजार पड़ता है। बाजार में दोपहर का वक्त होने के नाते सन्नाटा छाया था, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक बाजार पिछले एक हफ्ते से बंद है। तमाम दुकानों पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले जनमत ने वेबसाइट को बताया कि उन्होंने शुक्रवार को 9 दिन बाद अपनी दुकान खोली है। उनका कहना था कि पिछले साल मेरी दुकान में तोड़फोड़ करके काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था, इसलिए मैंने कांवड़ यात्रा से पहले ही दुकान बंद कर दी और यहाँ से बाहर चला गया। मुस्लिम समाज के लोगों की माने तो गाँव के लगभग 150 परिवार पुलिस की कार्रवाई की खौफ से घरों में ताला डालकर चले गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें डर है कि अगर कांवड़ यात्रा में कोई हंगामा या बवाल होता है तो निर्दोष लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर वे गांव में नहीं रुक रहेंगे फिर उनका नाम नहीं आएगा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के साथ साथ उन्हें कुछ कांवड़ियों का भी डर था, जिसकी वजह से कई लोग गाँव छोड़ कर चले गए। हालाँकि शुक्रवार से लोगों का लौटना भी शुरू हो गया है और कई लोग लौटते हुए दिख रहे हैं। वहीं गांव के दूसरे छोर पर मंदिर के पास कांवड़ लेकर जल चढ़ा चुके कुछ लोगों का कहना था कि पिछले साल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही उन पर पत्थर फेंके थे, इसलिए दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। दरअसल गांव के कांवड़िए गंगाजल लेकर जिस गौरी शंकर गुलरिया मंदिर में चढ़ाने जाते हैं उसकी दूरी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है और वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता गाँव के बाहर की ओर जाता है और एक गाँव के भीतर से होकर। पिछले साल से पहले तक बाहर वाले रास्ते से कांवड़ यात्रा निकलती थी, लेकिन पिछले साल पहली बार इस रास्ते से कांवड़िया गए और माहौल ख़राब हुआ। माहौल ख़राब करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि गलती दोनों समुदाय के लोगों की थी, इसलिए पिछले साल दोनों समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कई लोगों को जिला बदर भी किया गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम सदियों से साथ रहते हैं और गांव वालों की माने तो दोनों के बीच कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ। गांव के वीरेंद्र कुमार कहते हैं कि साथ में सब मेलजोल से रहते हैं। सावन में ही पिछले साल ऐसा हो गया। सावन के बाद फिर माहौल ठीक हो गया था, लेकिन इस बार भी सावन के महीने में माहौल खराब होने की आशंका थी। पुलिस वालों ने ठीक ही किया कि चेतावनी दे दी थी, नहीं तो गेहूँ के साथ घुन भी पिसता। गांव में फिलहाल शांति है, लेकिन एहतियातन के तौर पर पुलिस और PSC के कुछ जवान अभी भी तैनात किए गए हैं। SP ग्रामीण के मुताबिक जो रेड कार्ड और मुश्किला लोगों से भरवाए गए थे वो एक वैधानिक कार्रवाई होती है और एक निश्चित अवधि के बाद उसका महत्व खुद ही खत्म हो जाता है।
कांवड़ यात्रा को लेकर इस साल भी कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं और पहले भी आते रहते हैं। रास्तों के जाम होने और ट्रैफिक समस्या तो सामने आती ही है, कई जगह कांवड़ियों के स्थानीय लोगों से झड़पें भी होती हैं। बीते 7 अगस्त को बुलंदशहर में पुलिस की जीप को नुकसान पहुंचाते कांवड़ियों का वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं मेरठ में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कांवड़ियों पर फूल बरसाना भी काफी चर्चा में रहा। तो देश के अंदर हम सब लोग रहते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हमें समाज को किस तरीके का बनाना है और किस ओर ले जाना है। आने वाले वक्त में हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या आप उनको कल का भविष्य इस तरीके का देना चाहते हैं जहां दहशत भरा माहौल हो, लोग एक दूसरे को मारने और काटने में लगे हों। तो इस तरीके के माहौल से हमें निकलना पड़ेगा और इसके सामने आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।